ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यहां कुछ इन अनुवादकर्ताओं ने बात बिगाड़ रखी है, देखिएगा। अब ये तीन चार सिद्ध करने हैं, उनके लिए आपको यही शिव पुराण, लेकिन इसमें अनुवाद सहित उस संस्कृत भी साथ है। ये है शिव महापुराण, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, इसके ये कहां से प्रकाशित है, ये है श्री शिव महापुराण ये है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र करित हिंदी टीका सहित, प्रकाशक वही है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके विध्वेश्वर संहिता के अंदर एक प्रकरण आता है, विध्वेश्वर संहिता में एक प्रकरण आता है कि एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित शेष नाग पर बैठे थे और उसके आसपास बहुत से उनके नौकर सेवक बैठे थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर के शेष सिया पर लेटे हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अभिमानी, तू अपने पिता को देखकर खड़ा हो के सत्कार नहीं करता, खड़ा हो, मैं तेरा बाप आया हूं, मैं तेरा पिता आया हूं। विष्णु जी कहते हैं अरे तू, मैं तेरा बाप हूं, तू ढीठ हो गया है अपने पिता के सामने ऐसे उलट सुलट बोल रहा। कहने का भाव ये है जैसे दूसरी तीसरी कक्षा के बालक लड़ा करें, ओके मैं तेरा बाप, ओके मैं तेरा बाप, तू मैं तेरा बाप, फिर मुक्कम मुक्का लड़ाई कर देते, ऐसे इनका युद्ध शुरू हो गया। उसके बीच में भगवान इस काल ने एक अपनी शक्ति से बीच में एक स्तंभ, चमकीला तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये दोनों लड़ाई भूल करके उसके एंड को देखने लगे, ब्रह्मा ऊपर को चला गया, विष्णु नीचे को। विष्णु ने आकर के सच्चाई बता दी कि मैंने नहीं, इसका कोई और छोर नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी कि मैं इसका एंड देख आया हूं, ऊपर का सिरा देख आया। तब ये काल वहां प्रकट होता है और ये क्या कहता है ये देखिएगा। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको सबको अपनी शक्ति से जीवित किया, जीवा कर उठाया। अब वो काल क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और विश्व ईश्वर नहीं है, कारण इनमें दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्फल है, निष्कल है ये, और ईश्वर रूप सगुण है, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों ने जो दूसरों को अथवा तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना है यह बड़ा अद्भुत किया है, इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ।
मेरे प्रभाव प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते। इससे क्या सिद्ध, क्या कह रहे हैं ये काल भगवान, कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अज्ञानता से अपने आप को प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, मालिक नहीं हो। आगे फिर क्या बताते हैं ये काल, क्या कहता है देखिएगा। अब प्रश्न 18 पर कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने जो सतीथि और उत्पत्ति का जो तुम्हें जॉब मिला है, यह पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। ये देखना, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु को तो कहते हैं कि हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहते हैं, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कर्त रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने के को समर्थ नहीं है। पुणात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इससे क्लियर हो गया कि इसने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र और शिव, इनसे न्यारा है वक्ता, वो भगवान कह अपने आप को भगवान कहता है। काल ऐसे ही भ्रमित करके इनको गुमराह कर रहा है। आपने देखा कि ब्रह्मा ने अपने आप को कैसे भगवान माना कि मैं तेरा उत्पत्ति करता हूं। ब्रह्मा कहता है कि मैं, मेरे से विष्णु तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ब्रह्मा पुराण में ऐसा ही लिखा है। और विष्णु कहता है कि मेरे से तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा है। और शिव पुराण में शिवजी से ब्रह्मा और रुद्र और विष्णु की उत्पत्ति लिखी है। अब क्या रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर पाए और वो कमल विष्णु की नाभि से बाहर आया, तो ये सोच, अब जैसे फिर उन समाधि लगाई उन ऋषियों ने, अंत में उन्होंने, किसी ने तो ब्रह्मा रूप में काल के दर्शन प्राप्त हुए, किसी ने शिव रूप में, किसी ने विष्णु रूप में, तो वो जाकर के इनको कहते हैं कि ये भगवान आप ही परमात्मा हो और आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु फूल गया। उधर ब्रह्मा को जाकर कहते हैं कि आप ही मालिक हो, आप ही विष्णु और शिव के उत्पत्ति करता हो, तो वहां विष्णु ब्रह्मा जी खुश हो गए कि मैं ही इनका उत्पत्ति करता हूं, पर इन बेरा क्या है कभी को नहीं। तो ऐसे इनकी लड़ाई होगी, इन्होंने उन औरों के कहने से ये मान लिया कि सचमुच ये मेरे से ही उत्पन्न हुए होंगे, विष्णु उत्पन्न हुआ होगा, और विष्णु ने ये मान लिया कि ब्रह्मा मेरे से उत्पन्न हुआ होगा, सभी कह रहे हैं। तो काल ऐसे हमें उलझ पुलझ कर रहा है परमात्मा, और जबकि परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान, जबकि परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही तत्व ज्ञान अपने अमृतवाणी में 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध करवा दिया था, जो आज इन्हीं सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। इसमें क्या है, यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान नहीं है, ये समर्थ नहीं है, और ये भी सिद्ध हो गया कि इनके उत्पत्ति कर्ता, इनके माता पिता दुर्गा और काल हैं। यह भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब आपने शिवपुराण में देखा किस दुर्गा को, अब ब्रह्मा ने कबीर परमात्मा से सृष्टि रचना सुनी थी, परमात्मा आए थे, चारों युगों में आते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा से मिले थे, सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे और ब्रह्मा को यह सारी सृष्टि रचना सुनाई थी, फिर विष्णु को मिले, फिर शंकर को मिले,
उनको भी ज्ञान बताया था। एक बार तो उन्होंने रुचि कर सुना, लेकिन बाद में काल प्रेरणा से उन्होंने प्रभु की बात को नहीं स्वीकारा। तो ब्रह्मा ने वो कबीर परमेश्वर से सुना हुआ कुछ ज्ञान और कुछ अपने अनुभव का, जैसी उसकी बुद्धि ने काम किया, उस ज्ञान से वेद पुराणों की रचना की। पुराण वैसे एक ज्ञान है, इसमें वक्ताओं ने फिर जो जिसने सुना, जैसे ब्रह्मा ने तो सबको बताया अपने वंशजों को, फिर जिसने ऋषि ने आगे किसी को बताया सुना सुनाया ज्ञान, वो आगे उसी के नाम से पुराण शास्त्र बन गया, अलग अलग नाम रखे गए। अब जो विष्णु का उपासक था, उसने विष्णु रूप में भगवान के दर्शन हुए, तो उसने विष्णु पुराण को ही, विष्णु के ऊपर ही सारा मंड दिया, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं छुपा सके, क्योंकि विष्णु जी और काल भगवान जो विष्णु कहा गया है, उसके चरित्र में बहुत अंतर है। तो इसमें एक तो प्रकृति शब्द आया है कि उस देवी को, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं, और उस काल भगवान ने यानी सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की, ये दंत कथा, ये कबीर साहब के सुने हुए ज्ञान को घुमोड़ घुमाड़ कर अब उसको उल्टा सुलटा करके और इसने कहने की चेष्टा की, और ये स्पष्ट हुआ जैसा आपको सुबह बताया था कि परमात्मा ने इस काल के शरीर से दुर्गा को निकाला था, और वही अष्टंगी कहलाती है, वो आठ भुजा वाली है और प्रकृति भी उसी का नाम है। अब देखिएगा ये गीता अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय सात में ये श्लोक चार और पांच का अनुवाद है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार से भेदों वाली तो परा अप्रा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, वो प्रकृति होगी। एक तो जड़ प्रकृति है क्योंकि हमारे शरीर में की प्रकृति बनी हुई है, और दूसरी प्रकृति ये दुर्गा है। इसके लिए आप पढ़िएगा चौदवा अध्याय, देखिएगा अध्याय नंबर 14, चतुर्दशो अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में कहा कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब देखना, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और पल्ले काल में भी व्याकुल नहीं होते। क्या बताता है? अब क्या ज्ञान है वो, कि तीसरे श्लोक में 14वें अध्याय के, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों और अर्थात प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब ये चार नंबर श्लोक देखो, ये चार नंबर श्लोक यहां जाए, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। पांच में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सत्गुण, रजगुण, तम और तमगुण, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को संसार में बांधते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि प्रकृति दुर्गा है, और प्रकृति दो है, एक जड़ एक चेतन है। ये चेतन प्रकृति से लिखा है कि ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण
रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी इस अविनाशी जीवात्मा को यहीं फंसा कर रखते हैं, कर्मों के बंधन में बांधे रहते हैं। ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इस काल की गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की पत्नी है और ये इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। अपुण्यात्मा सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं, जो परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ज्ञान बताया था और इन अज्ञानी संतों ने ऋषियों ने उस ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर के कि कबीर अशिक्षित है, इसको सदग्रंथों का ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संस्कृत को नहीं जानता। उसमें हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और ये बात उन अज्ञानियों की जो है के पर कबीर साहब ज्ञान वेदों और सदग्रंथों पुराणों को और गीता जी को नहीं जानते या सिरे चढ़गी या पक्की जचगी कि ये तो बात सही है कि कबीर साहब अशिक्षित है, ये वेदों और गीता और पुराणों को नहीं जानते। और पुण्यात्माओं वेद खुद कहते हैं कि विद्वान और अविद्वान के विषय में तो वो तत्वदर्शी संत बताएगा, केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से वो विद्वान नहीं होता। भाषा की एक भाषा विशेष के जान लेने से वो विद्वान या महर्षि नहीं बन सकता, क्योंकि भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सिंपल लैंग्वेज हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा हो, लेकिन ज्ञान वही हो। अब जो कथाएं जो पुराणों में श्री मद भागवत सुधा सागर में जो कथाएं थी, उन्हीं कथाओं को सुनकर सांगिया ने सांग बना दिए थे और वो एक कथा देसी भाषा में अपने लोकल लैंग्वेज में और खूब सुंदर तरह समझा दी। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी खूब भजन बना बना के सांग बना के श्री कृष्ण की लीला अच्छी तरह समझा दी। तो भाषा से का इतना काम है कि जिस भी लैंग्वेज में जो समझ सकता है उसको उसी में समझाने से वो ग्रहण कर लेगा। तो परमात्मा ने ऐसी लैंग्वेज बोली कि आने वाले समय में इस भाषा को सभी समझ जाएंगे। तो वही ज्ञान जो संस्कृत भाषा में था वही परमात्मा की लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको जन साधारण समझ सकता है, आज उसमें वही यो का तो मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है और ये अज्ञानी संत गुरु अब भी बाज नहीं आ रहे और ये आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनको तो स्वार्थ हो गया, इनका तो लव मुंह लाग रहा है। कैसे कि अच्छी इनके पास चढ़ावा हुआ है नहीं, कुछ तो इनकी दो दो तीन तीन पीढ़ी चाली जो पहले संत आश्रम बना गई इनकी, वैसे ही वो भोली आत्माएं एक परंपरागत वहां जाने लगी कि हम तो वहीं जाते हैं, हमारे दादा परदादा जाते थे। अब वर्तमान जो वहां पर बंधक बैठता है, महंत या कोई संत बनता है, वो उनके खून पसीने की कमाई को मस्ती में बर्बाद करता है। अब इसका समाधान तो जन साधारण को समझाकर ही किया जा सकता है। जब हम स्वयं इस सौदे को परखने लगेंगे, लाल और लालड़ी को पहचानेंगे, तभी हम उसके दूर हट सकेंगे, वैसे नहीं। इसलिए ये दास आपको सदग्रंथों को दिखा करके ये प्रमाणित करता है, आपको लाल और लालड़ी की परख करने के योग्य बनाता है, ताकि आप उस लालड़ी को फेंक करके, कौड़ी को फेंक करके इस सतभक्ति रूपी लाल को ग्रहण करें। एक नगर में दो सौदागर भाई रहते थे, उनमें से छोटे की मृत्यु हो जाती है, उसके दो पुत्र थे,
उनकी मां ने जो विधवा होगी थी एक दिन अपने पुत्रों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, एक 14-15 वर्ष का था, दूसरा 16-17 वर्ष की आयु का लगभग था, कि तुम अभी आप बालक हो और बिजनेस व्यापार को नहीं कर पाओगे, आप अपने ताऊ जी के साथ लग गए। ताऊ जी कहते हैं पिता के बड़े भाई को, या अपनी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में बड़ा अंकल अंग्रेजी में बोल देते हैं, कुछ आजकल इंग्लिश और कुछ हिंदी मिलकर भी भाषा बनती जा रही है, उसी में बड़ा अंकल कह दो। तो कहने का भाव ये है कि उस माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर के हिस्सेदारी में अपना व्यापार कर लो, व्यवसाय करो, ये मेरे पास पैसे तो है नहीं पुत्र, तेरे पिता के समय के रखे हुए कुछ लाल हैं। बुढ़िया ने वो पोटली जो बांध रखी थी गठड़ी लाल, वो बच्चों को दे दिए और कहा अपने ताऊ जी से कह दो कि ये लाल ले ले और कहीं इनकी इनको गिरवी रख ले, इनके उपलक्ष में पैसे ले ले और काम चला ले और हमारा हिस्सा कर दे। दोनों बच्चे माँ के द्वारा दिए गए उन लालों को की पोटली को गठड़ी को लेकर चले गए। ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माता ने ऐसे ऐसे कहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास मेरे पिता के समय के रखे हुए ये लाल हैं, इनको आप ले लीजिए और इनसे पैसे लेकर के हमारा पार्टनरशिप कर लीजिए। अब वो ताऊ जी ने वह गठड़ी खोली, खोल के गठड़ी देख कर उन लाल को लालों को वापस बांध दी उनके समक्ष और कहा बेटा इनको तो अपनी माँ को दे आओ, कहीं बहुत कीमती हैं ये, अपनी माँ को दे आओ और आप ऐसे करो कि उनको तेरी माँ को कहना कि इनको संभाल के रखे, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरा उधार में बहुत उधार चलती है, वहां से उधार ले आवांगे और वापस आकर के इन लालों को प्रयोग कर लेंगे। दोनों बच्चे प्रसन्न हुए, यही बात जाकर के माँ से कहा, माँ ने वो माताजी ने वो सारे उठाकर बोटड़ी संभाल के रख दी। दोनों बच्चों को लेकर के वो उनका ताऊ जी दूसरे शहरों में गया, वहां उनके हाथों से सारा व्यापार करवाया। एक व्यापारी से 50,000 रुपये का सामान मोल लिया, उधार लिया और जहां वो धर्मशाला में रुके हुए थे वहां आकर के उसने उन बच्चों से कहा बेटा ये ले जाओ, ये लाल है और अपने उस सेठ को देकर आओ जिससे हम 50,000 रुपये का सामान उधार लाए, और उनको कहना कि ये लाल आप रख लो, हम वापस आकर के आपके 50,000 रुपये दे देंगे और लाल अपना छुड़वा लें। अब दोनों भाई उस लाल को ताऊ के द्वारा दिए हुए लाल को लेकर के वहां पहुंचे उस सेठ के पास जिससे 50,000 रुपये का सामान खरीदा था। उससे कहा सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, इसको आप रख लीजिए, गिरवी रख लो, रहन रख लो और आपका जो 50,000 का सामान हम ले गए हैं, हम वापस आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया जो पारखी होता है जो लालों की परख करता है, जौहरी बोलते हैं इसको, जौहरी, उसे दिखा कि भी देखना ये लाल खरा है या खोटा। जौहरी ने उसको चेक करके बताया कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, या तो 100 रुपये की भी कोनी और लाल तो 9 लाख रुपये का होता है उस समय की कीमत, अब तो 9 करोड़ का कह सकते हैं। तो सेठ ने वो लालड़ी जो थी वो बाहर मारी फेंक कर गली में दुकान से और उन बच्चों को खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारे ताऊ जी ऐसे तो नहीं थे, अब उसकी नीत में खोट आ गया है, मेरे ते लालड़ी देव है, लाल तो 9 लाख का होता है या लालड़ी है 200 की भी कोना है। तो उन बच्चों ने
बड़ा महसूस हुआ। उस लालड़ी को उठाकर वो देखे जानते आगे वहां आकर के कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा बदतमीज है, उसने हमारे सामने आपकी बेइज्जती की है, आपको बेईमान कहा है और कहा एक पता नहीं कौन व्यक्ति बुलाया था, वो कहने लगा ये तो लाल नहीं है लालड़ी है। तब सेठ जी कहने लगा बेटा दिखाना रहे, तो वो उनका ताऊ जी बोला बेटा ये तो सचमुच लालड़ी है, ये लाल नहीं है, सेठ जी गलत नहीं कह रहे। और जो व्यक्ति आया था वो जौहरी था भाई, वो जौहरी परख करता है। अरे बेटा ये तो ओहो ये इधर रखा था लाल, ले ये लाल ले जाओ, अरे ये है लाल बेटा, मेरे से धोखे से दे दी गई ये लालड़ी, देख इनमें कितना अंतर है, ओहो बहुत फर्क है ना भाई। तो उन बच्चों के हृदय में लाल और लालड़ी की वो परख कराना चाहता था। और ये ठोकर लगी उनको, ऐसा कुछ झटका लगा तो और ध्यान से देखा उन्होंने, शीघ्र परख कर ली कि बहुत अंतर, कहा ले अब जाओ ये कहो कि मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया था, धोखे से लालड़ी दी गई, ये देखो लाल ले सेठ जी। तो उन दोनों ने जाकर के उस सेठ से कहा, सारी कथा सुनाई, तो सेठ ने फिर वो जौहरी बुलाया उस बिजनेसमैन ने, जौहरी ने आते ही उस लाल को परख के कहा कि हाँ ये ओके है, ये सही लाल है। तब वो सेठ कहता है कि देख थरे माथे माँ क्यों थे ईसा उसे लाल है, उन बच्चों को कहता है देख ये है वो लाल। कहने का भाव ये है कि उन बच्चा का यू ऐसा झटका लगा उन्हें लाल और लालड़ी की पहचान होगी, वो अपने स्वदेश लौट आए, स्वनगर में आकर के अपने वो ताऊ जी कहने लगा बेटा अब अपनी माँ से वो लाल ले आओ, उधार गनी होगी, उन लालों को किसी को दे करके पैसे ले लेंगे, उधार रख देंगे, अपने फेर छुटवा लेंगे। दोनों भाई भागे गए, जाते ही कहा माँ माँ, माता जी ने कहा आगे बेटा तुम कहाँ आगे, आ जाओ खाना खाओ, अक नहीं खाना पीछे खाएंगे, पहले हमें वो लाल दे, ताऊ जी पे बहुत कर्जा हो गया है, उधार बहुत सामान ले आए हैं, और वो लाल दे, उनको गिरवी रखकर हम कुछ पैसा लेंगे, आगे अपना व्यापार करेंगे। माँ ने कहा बेटा ले जाओ या गिठड़ी नो की नो दर रखी संभाल के। अब उन बच्चों ने सोचा कि देखते ला लाल है कि लालड़ी, उन बच्चों ने जब खोल के देखा उनमें लाल नहीं था, वो सब लालड़ी थी। उन बच्चों ने वही पटक दी वह पोटड़ी माँ के गोड्या में और कहने लगे माता जी आप तो बहुत बोली हो, आपको पता नहीं ये तो लाल को नहीं लालड़ी है। उनकी माँ बोली बेटा भाई मन तो मालूम नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मन सोचा लाल होंगे। दोनों बच्चे ताऊ जी के पास गए और ताऊ जी से कहा ताऊ जी मेरी माँ है ना वह बिल्कुल सादी बोली है, उसने उसको पता नहीं ताऊ जी वह लाल नहीं थी, वह तो लालड़ी थी। तब वो ताऊ जी कहता बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जब तुम लेकर आए, मुझे मालूम था, यदि मैं ये कह देता ये लाल नहीं है लालड़ी है, तेरी माँ भी नो कहो हो तुम्हारे साथ धोखा कर दिया ताऊ तेरे ताऊ ने, मैं मेरा पति मर गया तो हमारे लालों को भी लालड़ी बताने लग गया, बेटा तेरी माँ का कदे विश्वास दृढ़ नहीं होता, फिट्टा नहीं भरो, और मैंने तुमको इतना जो है पारखू बना दिया, ये पहचान करने योग्य बना दिया कि तुमने अपने लालड़ी को अप लालड़ी कह दी, तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान और ये सीडी जो आपको भरी जा रही है परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की, ये जो प्रवचन चल रहे हैं और ये बुक बनाई जा रही है, इनको जो पुण्यात्मा ध्यान से पढ़ और सुन लेगा ये आप लाल और लालड़ी की परख करने वाला बन जाएगा, और आप ही पटक देगा वो लालड़ी को, जिस साधना को वो कर रहा है वहीं छोड़ देगा। सबसे बड़ी त्रुटि कमजोरी यही रही है कि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, एक समुदाय विशेष ही इसका ठेकेदार बना रहा, उन्होंने ये सब काम बिगाड़ दिया, उन्हीं में से कोई ऋषि बन गया, कोई महर्षि नकली का आ गया
और उन्होंने ये पूरे मानव समाज को बर्बाद कर डाला। और ये सब काल का जाल है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी काल के संकेत से चलते हैं। जैसे आपने कहा सुना कि गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से 15 में कहा है कि ये त्रिगुणमयी माया मेरी, काल भगवान कहता है बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि तीनों गुणों से उत्पन्न ये तीनों सतगुण तमगुण और रजगुण, इन तीनों गुणों के दो ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस जीवात्मा को बांध कर रखते हैं, शरीर में बांधते हैं। यानी कर्मानुसार और कोई गधा बने चाहे कुत्ता, उनके संस्कार वश उनको वहां उलझाए रखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि नहीं, ये काल अपने सिर से बला टाल रहा है, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही इसका कारण नहीं है। कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कही है, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अकेले दोषी नहीं है, जबकि ये खुद भी कहता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि ये तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी से जो भी उत्पत्ति स्थिति और संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। लेकिन आगे चल के फिर कहता है कि तीनों गुण ही तुम्हें बांधकर सब प्राणियों को यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं कि हम जो तत्व ज्ञान आपको सुना रहे हैं इनको बहुत ही ध्यान पूर्वक यानी संकेतों को भी समझना शुरू कर देना, लेना माने बिल्कुल तुरंत ग्रहण कर लेना, उस बात को गहराई से सोचना, उसके ऊपर विचार करना। इन पांचों में जीवट काये है, युगन युगन हम आन छुटाए। प्रत्येक युग में हम आते हैं और इन पांचों ने जीव को फंसा रखा है, हम आकर के छुटवाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इन पांचों मिल जीवट काये, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, क्योंकि हम बंध से काल के बंधन से जीव को छुटवाते हैं और हमारा जो स्थान सतलोक है वो अजर अमर है, स्थिर बिल्कुल स्थाई स्थान है, अविचल है, वो कभी नष्ट नहीं होता। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया, यम कह बंधे प्राणी। ओए होए, कितनी प्यारी बात और गहराई की कही है कि ये पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, ये जितने भी देवता हैं, ऋषि जन हुए हैं और जो जनसाधारण जो साधना की भक्ति की इच्छा रखता है, इनको किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। ये तो काल के डोरी से बंधे हुए हैं, ये काल के जाल में फंसे हुए। अपुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान जब तक हमने आंखों नहीं देखा था, वेदों को भी नहीं देखा था, गीता जी को भी नहीं देखा था, कब परमेश्वर की वाणी पढ़ते थे तो हमें शर्म आती थी कि किसने बतावा ये बात कि ये सुर नर मुनिजन ज्ञानी, ये देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये काल के जाल में, कौन मानेगा, मूर्ख बताओगे हमारे को। फिर जब ये खजाना परमात्मा ने दिखाया कि वेदों में और गीता में पुराणों में सारा कुछ तो वही लिखा जो मालिक ने पहले लिखा था,
उसके बाद दास के हौसले बुलंद हो गए कि ईब नस पकड़ी गई काल की, अब इसकी नबज ठागी हमारे, अब बता देंगे कि कौन कितने पानी में है। उसके बाद ये डंडोरा पीटना शुरू किया। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया यजम कह बंदे प्राणी। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में ही करता वाई। अब आपने शिवपुराण में पढ़ा कि काल कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को धमका रहा है कि तुम ईश नहीं हो, मैं ही ईश्वर हूं। यहां परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी बहा निरंजन के मैं करता भाई, मैं भगवान हूं। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, ये दसवां भी दुंदर में मिल जा सत कबीर दुहाई। सैस 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, एत्या में जमका तलबा ना चलियो पुरुष किशोरी। हम तो बंदी छोड़ कहां वहां धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखवे। 14 भुवन गवन है मेरा जलसल में सरबंगी, खल खल खलक में खल अवगत अचल अभंगी। अगर अलीर चक्कर है मेरा जिससे हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा हम बंद छुटावन जाए। परमात्मा कह रहे हैं कि हम सतलोक से आए हैं और इन पांचों ब्रह्मा विष्णु माया, ब्रह्मा विष्णु महेश माया यानी दुर्गा और धर्मराय, ये काल के ऊपर हमारा परवाना है, हमारा जो है हुक्म चलता है। इन पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन आए, बंद छुटावन धाए। अगर अलील चक्कर है मेरा जिससे हम चल आए, जहां ओंकार निरंजन ना ही ब्रह्मा विष्णु शिव नी जाही, जहां करता नहीं अन्य भगवाना काया माया पिंड नी प्राणा। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। भाई शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा, चार मुक्ति बैकुंठ समझ ए तालहा। संख युगन की जून उमर बड़ धारिया, जाजननी कुर्बान सुका गज पाड़िया। अब क्या बताते हैं कि जो सत साधना नहीं कर रहे, जो सत साधना नहीं कर रहे, और जैसे ऋषि जन के बारे में हम सुनते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे साधना की, कोई 1 लाख वर्ष जिया, कोई 2 लाख वर्ष तक जीवन अपना शरीर रख लिया। और हम आपने को सुबह बताया था कि ब्रह्मा जी की आयु 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, 1 चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष, ओहो, और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, फिर भी मृत्यु। फिर 7 गुना 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत 1 विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु के मृत्यु के उपरांत 1 शिव की मृत्यु, और 70,000 शिव मर जाएंगे तो ब्रह्मलोक में जो काल बैठा है ब्रह्मांड में, वो अपना शरीर छोड़ देता है, वो भी मरता है। और ये 70,000 जब ये काल सदा शिव मर जाएंगे, ये शिव मर जाएंगे, तब एक काल मरता है यानी एक ब्रह्मांड का नाश होता है। ये एक उस परब्रह्म का एक युग, ओए परब्रह्म का एक युग, और फिर 100 ऐसे ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का एक रात्रि, इतना ही दिन,
30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष और उस परब्रह्म की अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की ऐसे आयु और फिर भी मृत्यु। या कहते एती उमरत बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उमर बुलंद मरेगा अंतरे, कहते इतनी लंबी भी उम्र हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे, कि वो पूर्ण संत तत्वदर्शी संत ना मिलने से तुम्हारी जन्म मृत्यु का ये रोग नष्ट नहीं हुआ। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सुन मैं धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख गिरा सह नत उठ दूती, ही माया आज तकत की कूती। सवा लाख घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। शिखर सुन में एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर ये काल बैठा है, उसने दुर्गा को इस ब्रह्मांड में भेद रखा है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, ओए होए इस धर्म को इस काल को अन्यायी कह रहे हैं परमात्मा। और ये धर्म राय का अर्थ न्यायाधीश होता है, और फिर भी ये न्यायाधीश की पदवी केवल नाम मात्र है इसकी, लेकिन कोरा अन्याय करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तिनक नहीं न्याय विचार। तो यहां कहते हैं यहां धर्म अन्याय भी लिखा है इसने, न्यायाधीश के साथ साथ कहता है तू अन्यायाधीश है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति या दुर्गा डायन मैल पठाई। अब ये भी ब्रह्मा विष्णु महेश किसी जीव को भी सच्चाई नहीं बताती, इनको भ्रमित रखती है काल के डर से। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख ग्रह सैन्यत उठ दूती, ही माया आद तकत की कूती। अब परमात्मा ने ज्योति निरंजन को भी माया में ही ले लिया, कि 1,00,000 सुबह उठते खाती है, 1,25,000 उत्पन्न करता है, नालायक। 1,25,000 घड़ी है नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आज तकत की कुती। कहते 1,00,000 तो रोज खा जाता है, 1,25,000 भांडे घटता है शरीर, फिर मनुष्यों के 1,25,000 उत्पन्न करता है। और इन जीवों को जन्म और मृत्यु के दंड से पीड़ित किया हुआ, दंडित किया हुआ है। हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखा पुर में जीव भुलाए, सोपन बिस्त बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई। अरहट का कुआ, ये अरहट का कुआ देखिएगा ऐसा होता है, पूरा देखो इसको। ये नीचे जो आपने ये नजर आ रहा है, ये कूप है, कुआ, नीचे जल है इसमें। इस जल को निकालने के लिए, सिंचाई करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया जाता था पुराने समय में। ये एक पुली बनी है, पुली के ऊपर एक चैन लगी है, चैन के ऊपर ये बाल्टी बांध रखी है, वेल्ड कर रखी है। ये नीचे से भर के आती है और यहाँ ऊपर आकर के ये खाली हो जाती है, यहाँ खाली होकर के इधर जाती है। ये देखिएगा, ये नीचे जल है, ये कुआ है, और ये पुली के ऊपर चैन बांध रखी है, चैन के बाल्टी वेल्ड कर रखी होती है। और ये एक इसको चलाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। तो ये नीचे से पानी भरकर आता है और यहाँ ये खाली होकर के यहाँ से ऐसे खेत में चला जाता है। तो यहाँ नीचे से आया, ऊपर खाली हुआ, नीचे से भरी ऊपर खाली हुई, नीचे से भरी ऊपर खाली हुई। तो कहते हैं ये देखो, ये महेश ये भी इसी तरह बाल्टी भरे हैं, विष्णु और ब्रह्मा ये यहाँ आए और ये खाली हुई, उल्टे फिर जन्म मृत्यु में साधारण जीव की योनि भी ये धारते हैं और फिर ऐसे। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई,
जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिलता, पूर्ण परमात्मा सत्तत्वदर्शी संत नहीं मिलते, तो हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो जन्म मृत्यु के कारण हम नीचे आते हैं, पुण्य पाप इकट्ठे करते हैं, ये बाल्टी भर ले जाते हैं ऊपर, आपको नरक में फिर वापस आ जाते हैं, वहां खत्म करके फिर आ जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में, फिर ऐसे कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंदे कई बारा। शेष महेश गणेश्वर ताही हर हर डोर बंदे सब आही, ये शुक्रादिक ब्रह्मा दिक देवा हर हट डोर बंदे सब खेवा, ये कोटे करता फिरता देख्या हर हट डोर कहूं सुन लेख्या, ये चतुर्बुद्धि भगवान कहावे हर हट डोर बंदे सब आवे, ये चतुर्बुद्धि भगवान कहावे। और ये भी इस जन्म मृत्यु के रेठ के चक्कर में काल के में ये भी बंधे आवे। अनंत कोट अवतार हैं ये माया के गोविंद, करता हो के अवतर हैं ये फेर पड़े जगबंद फंद, कि ये भगवान बन के आवे यहां पर अवतार धार के, और फिर ये अपने कर्म इतने बिगाड़ के चले जाते हैं, इनको फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, ये कोई समय मिला आपको और आपका ये बहुत ही युगों युगों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं, आपका इस भक्ति काल में जन्म है मनुष्य का, और भी अच्छे किस्मत आपकी इसलिए है कि आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों तक किसी भी द्वारा किसी भी कारण से पहुंचा है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपने इसको पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है आपकी, क्योंकि रोगी को अपनी बीमारी के नष्ट या स्वस्थ होने का इतना ज्ञान नहीं होता जितना कि डॉक्टर को होता है। आप कितने स्वस्थ हो रहे हो और आप कितना समय पर इस परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, इस हॉस्पिटल में आ गए हो, ये तो ये दास जान सकता है, आपको मालूम नहीं। और आप कितने पुण्यकर्मी हो ये भी आपको नहीं पता। परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जोध ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब कोई सतगुरु शरणा दे। आप योगों योगों ना जाने कितने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हो, और वही पुण्यात्मा आज सतगुरु की शरण में आएंगे, और बाकी जो थोड़े पुण्यकर्मी हैं उनको पुण्यकर्मी बनाएंगे, क्योंकि पिछले भी अब ये स्कूल है इसमें पहले विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो भी पास होंगे, जो नए प्रवेश पाएंगे उनको भी पास ही करेंगे। तो इस प्रकार जैसे राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा थे और खूब भक्ति करते थे बहुत, और ऐसे भी एक बहुत ही अच्छे एक राजा थे, वो इतने पुण्यात्मा थे कि उसके राज्य में और तो झगड़े कहाँ होते थे, जो है शेर हिंसक पशु भी कोई मांस आहार नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे, फलो आहार करते थे। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे, उसके बाद राजा जनक हुए, उसके बाद नानक जी हुए। श्री राजा जनक थे जब वो कितने पुण्यात्मा थे और कितने शक्ति युक्त थे कि सुखदेव जैसे ऋषि को, महर्षि को भी उन्होंने शिष्य बनाया, और जैसा उनको ज्ञान प्राप्त था उस समय इस तीन लोक का भी ज्ञान उन्हीं को उत्तम था, उन्हीं को श्रेष्ठ था, इसलिए वो कितनी अच्छी आत्मा थी फिर भी पार नहीं हुए, और फिर श्री नानक जी के रूप में फिर जन्म हुआ।
और किस में जन्म हुआ, जब परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए थे, और वो कितनी पुण्यात्मा थी तभी उस परमात्मा ने उनको अपनी शरण में लिया। तो ऐसे ही अन्य दो 64 लाख शिष्य हुए, वो भी बहुत पुण्यात्मा थी, लेकिन वो कच्चा समय था, उस समय वो पार नहीं हो सकती थी, इसलिए प्रभु ने एक लीला की जिससे उनकी पुण्य कमाई बनवा कर अपने से दूर कर दिया कि पार तो नहीं हो सकते क्योंकि ये मुझे भगवान नहीं मानते, और ये नकली संत इनको तभी भ्रमित कर देते हैं कि तुम्हारा गुरु ये नहीं जानता, वो संस्कृत नहीं जानता, कैसे शास्त्रों को सत्य मान सकते हैं, जो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो हम उन नकलियों की बातों ने हम हाँ मिला दिया करते, तो इसलिए भी पार होने योग्य नहीं थे। जब तक हमें यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कबीर भगवान है, सर्वशक्तिमान है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, यही समाधान है, यही मंत्र है, इसी से पार होंगे, तभी हम इसके ऊपर निर्भय होकर चलेंगे, हम निरसंशय होकर चलेंगे, तभी परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। जब हमारी दिशा पूरी निर्धारित हो जाएगी, ये मार्ग है, और कोई विचलित करे हम इससे दूर नहीं हो सकेंगे। ये काल के दूत कितना ही हमारे पीछे पड़े और कितना ही झूठ बोलने के तुम गलत जा रहे हो, हम उनसे विचलित नहीं होंगे, तभी अपने घर पहुंचेंगे। तो लखबर सूरा जूझही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, जब कोई सतगुरु शरण आ लिया तो पुण्यात्मा, आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि जन्म जन्मांतर की भक्ति के, ये दो प्रकार की कमाई होती है, धन होता है, एक तो दान और धर्म और यज्ञ का किया हुआ जो दान होता है, धर्म पुण्य होता है, आपका धन होता है, भक्ति धन होता है, उससे तो आप सेठ बन जाते हो और अच्छी व्यवस्था आपके घर की होती है, जिसने जैसा दान किया हुआ होता पूर्व जन्मों में धर्म किए हुए थे, कार भी हैं, कोठियां भी हैं उनके पास, और दूसरे वो हैं बिल्कुल मजदूर हैं, गरीब हैं या मीडियम साइज के हैं, वो भी शरण को ग्रहण किया है, इन्होंने परमात्मा की शरण मिली है, तो आपका और उन सेठों का भक्ति का धन तो बराबर है, जो नाम की कमाई का जो धन है भक्ति का वो तो बराबर है, लेकिन पुण्य नहीं कर पाए पहले जन्मों में हम, तो अब हम उस पुण्य कमाई, भले ही हमारे पास धन नहीं है, ये जो संसारिक धन जिसको हम कहते हैं, तो दान से प्राप्त होता है, दान कम करने से, और लेकिन हमारे पास वो भक्ति का धन बराबर है, इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो आप दोनों की जो वो सेठ हैं, जो पैसे वाले हैं, कारों वाले हैं, और एक मजदूर है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उन दोनों को शरण प्राप्त हुई है, तो आपके जो भक्ति वाले जो पुण्य है वो बराबर है, वो कमाई दोनों की समान है, आप इतने पुण्य कमाई युक्त हैं। अब उनको जो जिनके पास आज धन है, ये मार्ग मिल गया, उनकी यह समस्या तो हल है कि उन्हें रोजी रोटी के लिए भटकना ना पड़ता, उनकी अगर वो सच्चे ढंग से समझ जाए तो उन्होंने केवल परमात्मा ही भजन का पूरा समय मिल सकता, लेकिन इस तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से वो धन वाले और गणे दुखी होने लग जाते हैं और ज्यादा, क्यों, मालिक जितना ये दान करेंगे उतना ही धर्म फलेगा, वो दान परमात्मा दान का प्रतिफल धन गणा देगा, उस दान से भी वो फिर ज्यादा विचलित होने लग जाते हैं तत्व ज्ञान को आधार ना बना करके। और एक मजदूर है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास धन नहीं है, वो भी विचलित है, वो केवल धन धन मांगने आने लग जाता है। तो इस तत्व ज्ञान को समझकर धनवान ने गणे धन की जरूरत नहीं, और वो देगा जो उसके भाग में वो मिले मिलेगा, लेकिन उसको सदुपयोग करे, उसको घना ज्यादा आगे बढ़ाने की चेष्टा ना करके उसको सीमित करे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। तो यहां हमने अपनी इच्छाओं को कम करना है, तो जो धन है, जो पिछले जन्म में पुण्य दान किए हुए उनको आज पूरा धन मिला हुआ है और वो भी शरण ग्रहण किए, वो है तो पुण्यात्मा, और वो मजदूर भी पुण्यात्मा, सिमिलर उनका एक जैसा सतर है भक्ति का, लेकिन दान में अंतर रहा। तो अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में रहे
एक जौफड़ी में और कपड़ा बुना करते थे। और कबीर परमात्मा से निर्धन दारिद्र कोई भी काशी में नहीं था। उन्होंने इसलिए ये लीला की थी कि कोई ये ना सोचे कि जिनके पास गणा धनहर गणा धर्मकरण के लिए पैसा है केवल वही पार होंगे, हम गरीब नहीं हो सकते। परमात्मा कहते हैं दोनों ही पार हो गए। एक के पास 20 लाख रुपए की इनकम है महीने में और वो महीने में 1 लाख दान करे है और महीने में साल में 10 लाख या 12 लाख कर दिया, उसको कई करोड़ का इनकम है, वो भी दान है। और एक गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, वो भी साल में 2-3 पाठ करा देता है, वो दोनों का धर्म उस जो निर्धन है उसकी हिम्मत देख तो वो दान उससे कई गुना ज्यादा लाभदायक है। आगे चल के इसी रेशो से परमात्मा उनको लाभ देता है। तो कहने का भाव ये है कि अब हमने पार होना है और इस विचार से को भी आधार बनाना है। जैसे मान लीजिए इस जन्म में ना पार हो सके, अब तो यो हजारों वर्ष चलेगा ये मार्ग, और आपका फिर जन्म हुआ, आपको ये त्यार मिलेगी मलाई बड़ी बड़ाई, और उसमें आपने जो धर्म पुण्य कर रखा है ये आपको मिलेगा, तो आपकी रोजी रोटी का समाधान त्यार पाओगा, फिर केवल भक्ति भक्ति करनी शेष रह जाओगी। तो इसलिए हमने अपने किसी भी पॉइंट को लूज नहीं रहने देना, पार बसावा जितनी समर्थता हो हिम्मत सी करके दान भी करे और भक्ति भी करे। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्त करेंगे और फिर सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।